तो मैं आ गया था नोनू ओया रेलवे स्टेशन पे, जो नुवारा एलिया का है। अब यहाँ से मैं पकड़ूँगा ट्रेन एला के लिए। टिकट मैंने ले ली है, टिकट का प्राइस जो मुझे पड़ा थर्ड क्लास का 80 रुपये है, 80 श्रीलंकन रुपीज़। तो इंडिया के हिसाब से आप कन्वर्ट कर लेंगे तो 30-35-40 रुपये के आसपास बैठेगा ज़्यादा। जब मैं टिकट काउंटर पे गया तो टिकट वाले भैया जो थे उन्होंने कहा कि एक ट्रेन है और वो अभी जा रही है और वो फर्स्ट क्लास की ट्रेन है, मतलब तो उसके 4000 रुपये हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे फर्स्ट क्लास में नहीं जाना है, मुझे थर्ड क्लास में जाना है, तो इसके लिए मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझे कहा फिर 12:50 पे अगली ट्रेन है और वो आपको उसके लिए थर्ड क्लास के लिए आपको 80 रुपये श्रीलंकन रुपीज़ देने होंगे। तो मैंने 80 रुपये दे के टिकट ले ली, वही छोटी सी टिकट मिली है। तो बस अब यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, 12:15 ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके बाद अब बैठता हूँ और ट्रेन आती है तो उसमें बैठेंगे और फिर आपको ले कर चलूँगा एक और श्रीलंका की अमेजिंग ट्रेन राइड पे, नुवारा एलिया टू एला। ट्रेन हमारी चल पड़ी है नानू ओया से एला के लिए, ये काफ़ी अमेजिंग राइड होने वाली है क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पे टी के गार्डन पड़ेंगे और बीच में से ट्रेन जाएगी। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ श्रीलंका के एक और अमेजिंग ट्रेन राइड पे, हमारा एलिया टू एला। ट्रेन में भी आपको कैंटीन पेनेट्री मिल जाएगी, अगर आप कुछ स्नैक्स वगैरह लेना चाहते हैं, ड्रिंक्स वगैरह, कुछ कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी वगैरह, तो वो ले सकते हैं।
करके स्टेशन है, स्टेशन देखो, मतलब स्टेशन है और ट्रेन जहाँ रुकी है और साथ में ही वो भी आपके पीछे देख रहे होंगे आप, क्रॉसिंग ब्रिज भी है, मतलब सड़क भी जा रही है और यहाँ पे स्टेशन भी है। ये रहा सामने स्टेशन, यहीं पे हमारी ट्रेन रुकी हुई है और ये रोड क्रॉसिंग, मतलब बीच बीचों बीच रोड के ये ट्रेन रुकी हुई है और हमारा यहाँ पे एक स्टेशन बना हुआ है। श्रीलंका के रेलवे स्टेशन की एक खास बात जो मैंने देखी है, चाहे स्टेशन छोटा हो लेकिन वहाँ ग्रीनरी और सफाई आपको बिल्कुल मिलेगी, सिर्फ स्टेशन पे नहीं, तो मतलब स्टेशन पे ग्रीनरी तो आपको मिलेगी मिलेगी, हर जगह काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया होता है और साफ़ सफाई रखी होती है। और सफाई के मामले में श्रीलंका में काफ़ी सफाई है, मतलब रोड वगैरह आपको ट्रैफिक का रूल यहाँ पे बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं जब, और करते हैं यहाँ पे रोड पे सफाई वगैरह, मतलब मैंने बिल्कुल भी यहाँ पे कहीं पर भी गंदगी फैली हुई नहीं देखी। जब ये ठंडी ठंडी हवा चेहरे पे लगती है ना, बहुत मज़ा आता है। और इस जगह तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत अच्छा क्लाइमेट है, बहुत अच्छा मौसम है और नज़ारे भी वाकई के इतने खूबसूरत हैं कि मज़ा आ रहा है। जैसे जैसे अब हमारा लास्ट स्टेशन एला का ही है अगला, और जब एला की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है, चेहरे पर मेरे पानी की छींटे पड़ रही हैं, मौसम बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं एला, पीछे आप मेरे देख सकते हैं एला स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है, सामने की तरफ ही मेरे स्टेशन है, ये मैं पीछे की तरफ उतरा था कोच से, अब यहां से निकलता हूं। पहुंचने में यहां पहुंचने में ट्रेन ने पूरे 2.5 घंटे ले लिए थे और 2.5 घंटे में का सफ़र जो रहा बहुत ही अमेजिंग था, मतलब एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं हुआ कि आपको एक मिनट भी बोरियत महसूस हो, इतने बढ़िया व्यूज़ थे ट्रेन के दोनों तरफ, बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ थे। मैं वीडियो में जो आपको दिखाऊंगा, वीडियो में आपको जितने अच्छे लगेंगे, सच मानिए ओरिजिनली असली में देखने में वो उससे कई गुना बेहतर है, कई गुना, कितना इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। वैसे आप कभी आते हैं श्रीलंका तब आकर ही उन नज़ारों का मज़ा लीजिएगा, वरना जब तक घर पे बैठ के देख रहे हैं तो इस वीडियो में देख लीजिए। तो चलिए अब स्टेशन से बाहर निकलता हूँ और उसके बाद अपने होटल की तरफ बढ़ता हूँ। होटल मेरा ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 1 किलोमीटर की रेंज में ही है,